नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया की महिला टीम लगभग 7 सालों के बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। मिताली राज की अगुवाई में भारतीय टीम सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेलने वाली है। आखिरी बार भारत की महिला टीम ने साल 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। इसके बाद से सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ही आपस में एक दूसरे के साथ टेस्ट मैच खेल सकी है। टीम इंडिया के लिए ये मैच ऐतिहासिक होने वाला है और टीम का ऐलान भी हो चुका है। साथ ही टीम इंडिया इस मैच के लिए जोरदार तैयारियां भी कर रही है। ये मैच इसलिए भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि कई महिला खिलाड़ी भारतीय टीम में ऐसी हैं जो इस मैच में डेब्यू करेंगी। 18 खिलाड़ियों की इस टीम में सिर्फ 8 ही खिलाड़ी ऐसी हैं जिनको टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है। कप्तान मिताली राज और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को सबसे ज़्यादा अनुभव है, जिन्होंने 10 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शिखा पांडे, पूनम राउत, एकता बिष्ट, पूनम यादव भी टेस्ट मैच खेल चुकी है। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम काफ़ी मजबूत दिख रही है और उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने की आदत भी है। वो अलग बात है कि अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंग्लैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा, पर भारत की तुलना में इंग्लैंड मजबूत दिख रही है और कंडीशंस का बहुत फ़ायदा भी उन्हें मिलने वाला है। ओवरऑल बात की जाए तो भारत के पास महज 30 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है, जबकि इंग्लिश टीम के पास 47 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है। हालांकि भारत ने अपने पिछले तीनों टेस्ट मैच में से 2 बार इंग्लैंड को हराया है, वहीं इंग्लैंड ने अपने पिछले 3 टेस्ट मैच गंवाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा मंच है और महिला क्रिकेट के लिए स्पेशल दिन भी है। ये मैच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां रन खूब बनते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।